पुरानी मंडी स्थित योग सिद्ध आश्रम ने सोमवार से योग सिद्ध आश्रम में चैरिटेबल अस्पताल की शुरुआत की है। अब इस आश्रम में गरीब तबके के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। चैरिटेबल अस्पताल का शुभ आरंभ आश्रम के गुरुदास लाल द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस संस्था द्वारा अपंग व्यक्तियों, वृद्ध आश्रम और गौ सदन में भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस अवसर पर आश्रम के ट्रस्टी हेमराज चोपड़ा ने बताया कि 1990 में महाराज चंद्रमोहन ने संकल्प लिया था कि इस जगह पर एक आश्रम होना चाहिए जिसमें योग के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि उनका शरीर तो नहीं रहा मगर उनका संकल्प पूरा हुआ। मैं हेमराज चोपड़ा, मैं इस योग सिद्ध आश्रम पुरानी मंडी का एक ट्रस्टी हूँ। हमारे 22 ट्रस्टी हैं इसमें, उनमें से एक ट्रस्टी मैं भी हूँ। तो हमारा ये आश्रम सदगुरुदेव महाराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज के संकल्प से इसका निर्माण हुआ है। उन्होंने 1990 में संकल्प किया था कि यहाँ एक आश्रम का निर्माण होना चाहिए जहाँ से लोगों को योग के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। तो उनका शरीर तो रहा नहीं लेकिन उनका संकल्प काम करता रहा और उसके फलस्वरूप आज ये आश्रम जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं की कृपा का फल है। इसको बनाने में कई गुरु भाइयों का हमारे सहयोग रहा, उनमें से कुछ गुरु भाई हमारे शरीर छोड़ गए हैं तो बाकी लोग भी धीरे धीरे लगे हैं और धीरे धीरे करके आज 30 साल के अंदर अंदर ये बन के तैयार हुआ। अब इसमें हम योग के अलावा योग तो करवाते ही हैं, योग कई लोग यहाँ से योग सीख करके निरोग होकर के यहाँ से गए हैं। अब वो लोग अपने घर में योग करते हैं, उनको पूरी प्रैक्टिस करवा दी गई है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ योग साधना वो भी करवाई जाती है, सुबह 5 बजे से ये शुरू हो जाता है, 5 से 8 बजे तक कार्यक्रम रहता है। ये डेली का कार्यक्रम है, बिना रुके मतलब सारे सब मौसम में ये समय रहता है, सवेरे 5 बजे से 8 बजे तक। तो यहाँ योग के योग तो होता ही है, इसके अलावा भी इस आश्रम के द्वारा जनता की सेवा की जा रही है। जैसे COVID-19 का समय था तो सारा समाज, सारा भारतवर्ष इससे पीड़ित था, उसमें इस आश्रम की तरफ से जो भी सेवा हो सकी वो आश्रम ने की है, सरकार का सहयोग किया है। इसके अलावा जो अपंग हैं, तो वृद्ध आश्रम हैं, गौ सदन हैं, या पीछे चुप्पू में लैंडस्लाइड हुआ वहाँ की बात है, तो जहाँ भी जरूरत पड़ती है ये आश्रम सदा तत्पर रहता है, लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। अब लोगों की डिमांड थी कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे जनता को और ज़्यादा सुविधा हम दे सकें। तो योग तो हम करवाते ही हैं, करवा ही रहे हैं, तो इसके अलावा भी ऐसा विचार बना सब भाइयों में कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे आम जनता को राहत मिले। तो ये प्रयास हमने ये किया है कि एक श्री प्रभु रामलाल जी महाराज उनके नाम से प्रभु रामलाल योग आरोग्य संस्थान, इसकी स्थापना यहाँ की है जिसका आज उद्घाटन है। तो इस आश्रम में हम गरीब लोगों को निःशुल्क ये सेवा प्रदान करेंगे फिजियोथेरेपी की, और जो BPL की लाइन से BPL से नीचे है, लो पॉवर्टी लाइन है, उनको भी हम यहाँ फ्री सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा भी बड़े ये चैरिटेबल है, कोई इसमें कोई कमाई की कोई बात नहीं है, कोई कमर्शियल इसमें कोई एंगल नहीं है, इसमें सिर्फ जनता की सेवा को ध्यान में रख करके ही इसका आज शुभारम्भ किया जा रहा है। दिव्य हिमाचल TV के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।